इम्प्रेशन के लिए नहीं बना रहा, पहले बना देता। खैर हमारी अम्मा कह रही है कि व्यू अच्छा दिया करो, कि लगे कि अच्छा घर है और हमारों का घर नहीं है, लेकिन टाइम है नहीं। और खैर आपको बता चलूँ तो वेलकम टू येट अनदर डे। कंसिस्टेंसी चेक करो भाई की, 6 दिन हो चुके हैं, सही है ना। और खैर आज मैं बड़ा लंबा दिन है तो आपको जल्दी जल्दी बता चलूँ, अभी मैं कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ फॉर द रियूनियन जो 8 साल बाद शायद हो रहा है हमारे, क्या नाम है उसका, स्कूल का, बीकन लाइट अकेडमी। और मैं 2015 का बैच था और अब 2023 में रियूनियन हो रहा है, तो आप सोच लें। और मैं अभी तक वैसा का वैसा ही हूँ, शायद थोड़ा सा उसमें एक्सपीरियंस में ऑब्वियसली बड़ा हो गया हूँ, मैच्योर हो गया हूँ और शक्ल थोड़ी सी पक्की हो गई हो, लेकिन हूँ मैं वैसा ही। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, लेकिन मसला ये है कि जल्दी जल्दी करना है सारा काम, अभी तैयार भी होना है और उसके बाद जाना है शादी में दोस्त की, उसके बाद जाना है एक और दोस्त की मेहंदी में, तो यू नो 3 काम एक साथ करने हैं और मैं कर लेता ही आराम से। अभी तक मैं शायद पहुंच भी गया होता वहाँ पर रियूनियन में, लेकिन मसला ये कि टायर पंचर हो गया। हमारी बहन जो है ना वो वापस आई घर पे, उन्होंने बोला कि टायर पंचर है, तो अभी टायर भी बनना है साथ साथ और मैं स्त्री भी कर रहा हूँ, और जब मैं तैयार हो जाऊँगा तो आपको बताऊँगा। बाय, आ जाए आ जाए। तो मैं रेडी हो गया हूँ रियूनियन के लिए, और अम्मा खाना बना रही थी इसलिए ऑफिस में जाना पड़ा। तो मैं रेडी हो गया रियूनियन के लिए और अच्छा लग रहा है, बिल देख रहे हैं आप, आ गई। तो खैर उसके बाद मैं जाना है शादी पर, और अब के जो बाकी का कंटेंट है वो मोबाइल से बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कैमरा लेके नहीं जा सकता। एंड स्कूल के उसमें जा रहा हूँ तो बहुत सारे क्रशेस मिलेंगे, मिलते हैं। पहुंच चुका हूं बीएलए में, और जैसे कि मिस नासरा प्रेजेंटेशन अभी बाहर दे रही हैं, उनको 11 साल से सुनता आ रहा हूं उनको, तो अभी मैं थोड़ा सा देर में सुन लूंगा। बट मैं जो दिखाना चाहता हूं आपको वो है ये स्टेज। जितने लोग मुझे जानते हैं मेरी एक्टिंग का सफर जो है ना वो यहां से शुरू हुआ है, और इस स्टेज ने मुस्लिम अब्बास को जो बनाया है वो बनाया है। यहां पर मैं उठ पटांग करके करता था, हर स्टेज एक्टिविटी में पार्ट लेता था, और अब जो है ना कुछ इस तरह का आपके सामने है मुस्लिम अब्बास, तो प्लीज अप्रिशिएट द स्टेज। And this is my school. Damn memories. BLNs जो नहीं आए ना, अच्छा वो नहीं आए क्योंकि मुझे अकेले मज़ा आता है ज़्यादा। Damn. अपनी 11th क्लास जो अब 2 की प्राइमरी क्लास है, वो तो ये क्या तरीका है यार। यहाँ पर जो इस इंसान का ये इंसान क्या लेके आया था इस क्लास में, बताओ जरा मुझे। जो आप पहनते हैं ना अपनी पैंट के नीचे, मेरी नहीं थी वो, मुस्लिम की है। चल, और वो जब टीचर आ रही थी तो उसको छुपाने के, उसको और ये खिड़की जो है ना असद ने लात मार के तोड़ी थी। बताए थोड़ा बताइए यार, क्या हुआ था वो मंजर आम बताओ मुझे, नहीं बताना चाह रहा है बेचारा। इधर दी, ये वो क्लास है जहाँ पर मैंने अपनी इकोनॉमिक्स की टीचर के साथ शर्त लगाई थी कि, और मैंने यहाँ पर ना एक चीज़ लिखी थी कि मिस मैं ये डेट लिख रहा हूँ कुछ सितंबर समथिंग थी, कि आज से 10 साल बाद हम मिलेंगे, और वहाँ पे पता चलेगा कि कौन कहाँ तक पहुँचा है अब तक। तो यू नो 8 साल हो चुके हैं और 2 साल में मुझे कुछ ना कुछ करना है, वरना इज्जत केयर लग जाएंगे, बता रहा हूँ। रुबा जब तक आ रही है, कुछ लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, बच्चे कुछ बोलना चाहेंगे आप में से, कुछ कोई बात, कोई चीज, कोई नॉस्टैल्जिक इवेंट्स, कुछ भी। अभी वो कुर्सियां छोटी हैं आप लोगों के लिए, अभी बैठ के कैसा लगा यही बता दें। कुछ बोलना चाहे, आ गया भाई मेरा बच्चा आ गया, एक तो ऐसे, नहीं यहीं से, अरे हो गया प्रमोशन खत्म हो गई। नहीं, अस्सलाम वालेकुम सारो, हेलो, कौन जानता है मुझे यहाँ पे। असल में बात ये है कि इतने साल हो गए हैं, 8 साल मुझे लग रहा है कि 8 साल के हम ग्रेजुएट हैं, जो 2 साल के भी होंगे वो भी आए हुए होंगे, तो कोई जानता नहीं है सच मुझे, लेकिन मेरा नाम मुस्लिम अब्बास है। और थैंक यू, जिनसे मार खाई है वो जानते हैं मुझे, ये इम्पोर्टेंट है। आज बहुत लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार अपनी अचीवमेंट्स बताता हूँ टीचर्स को कि मैंने ये किया हुआ ये नहीं किया हुआ, कुछ थोड़ा झेप रहे होंगे कि यार कहीं मुझसे पूछने लगे क्या काम कर रहे हो क्या कर रहे हो, लेकिन मैं बस आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि
आप सब अपनी कहानी के हीरोज हैं और रहेंगे, और कभी भी ये मत सोचना कि यार ये मुझसे आगे है और ये मुझसे पीछे है, बिकॉज जो भी आपको ये फील कराते हैं ना कि आप कुछ नहीं है, वो आपकी कहानी के साइड कैरेक्टर्स हैं। और फिल्म में साइड कैरेक्टर का क्या रोल होता है, अपना रोल करके कट लेता है, एंड में जीत हीरो की ही होती है। तो आप सब हीरो हैं और रहेंगे, एंड बस इसी के साथ मैं निकल गया हूँ अब अपनी क्या नाम है रियूनियन से, और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा सबसे एक बार मिलना, बात करना। इट वॉज रियली 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 एन ऑनर, और मुझे बहुत मजा भी आया। ऑब्वियसली आई टुक द स्टेज और मैंने लोगों का थोड़ा मनोरंजन भी किया, जो कि आपने देख ही लिया होगा अब तक। और अब मैं जा रहा हूँ खाला के घर, वहाँ से रेडी होना है शादी के लिए, और जल्द से जल्द उसके बाद आपको बताता हूँ, अपडेट देता हूँ। तो मैं हो गया हूँ तैयार और अब मैं जा रहा हूँ शादी में, फ्रॉम वाइब्रेंट कलर्स टू ब्लैक कलर्स। अब मुझे क्या करूँ यार, मैं तो वहाँ का हूँ जो हम लोग ब्लैक पहनते ही रहते हैं, बट बात यह है कि सारे अब लोगों को ना ब्लैक ही पसंद है शादियों में, कुछ कर नहीं सकता मैं इसका। तो अब मैं जा रहा हूँ शादी में, और वहाँ पहुँच कर फिर देखते हैं, इन्जॉय करते हैं यार। और वैसे बहुत मज़ा आया क्या नाम है रियूनियन में, वो तो खैर एंड में बात कर ही लेंगे, मिलते हैं शादी में। एंड आई मेड इट टू द हॉल, और थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है डांस स्टार्ट हो गए हैं। भागो रेडी कर दे, अच्छा है तो जाहिर सी बात है फाइनली शादी हो गई खत्म, और दूसरे दोस्त की शादी में जा नहीं सका, वो मुझे गाली देगा बाद में, लेकिन अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मुझे कौन मिला है शादी में। बहुत बड़ा एक्टर उसके साथ ही खड़ा है इस वक्त, इसका नाम है सामी जावेद। सन कैसा लग रहा तुम्हें शादी में, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है यार, ये प्रोडक्शन बॉयज को मेरे साथ क्यों लगा? किधर है डायरेक्टर यार? आई डोंट लाइक दिस, आप इनको नहीं जानते? सेक्रेटरी, मेरे सेक्रेटरी से बात की आप? सॉरी यार, हां कांजी भाऊ आप जानते होंगे इनको, एंड इसी के साथ साथ हम शादी करते हैं रैप, और इनसे अच्छा डांस इनकी जो है ना बालू ने किया, और जो अभी मैं अगे कर रहा हूं, और जो अभी वीडियो बना रहा है ना उसने उससे भी अच्छा डांस किया, उसको दिखाता हूं मैं। अश्वन कुमार कोरियोग्राफी चीज आप इन ओ एक मिनट दोबारा अश्वन एक स्टेप हो जाए, अपना अपना सिग्नेचर 3 2 1 यार ये बंदा कमाल है, लेकिन सुराग थोड़ा खैर इसको तो अगर आप सारे डांसेस वगैरह सीखना चाहते हो, मैं आप डालता रहूंगा लिंक, और मैं इंस्टाग्राम पे भी बता दूंगा कि ये इंसान कौन है और ये क्या काम करता है। तो ये लिंक पे आप जाइए और इसको जो है ना इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, ही इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट डांसर एंड कोरियोग्राफर। और बस शकर की खैर है यार, कोरियोग्राफर अच्छा है ना? नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा।